अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हैं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए यहां पर लाया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और ये देखिए, सुनीता केजरीवाल इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली पेशी के दौरान भी सुनीता केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत यानी दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और अरविंद केजरीवाल की पत्नी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थी। और अब जब ईडी रिमांड फिर खत्म हो रही है और अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है तो सुनीता केजरीवाल वहां पर पहुंची हैं। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, दो संभावनाओं पर हमने बात कर ली, ईडी रिमांड मांगेगी या फिर जेसी में भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। दूसरे ऑप्शन की संभावना ज्यादा लग रही है, लेकिन अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें, जमानत क्या अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है? तमाम तरह की दलीलें जज साहब के साहिबा के सामने खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने डिफेंस में रखी थी। जमानत मिलने की उम्मीद जाहिर है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता भी कर रहे होंगे, उनकी पत्नी भी कर रहे होंगे, इसके कोई आसार है क्या दूर दूर तक? देखिए समीर, अहम बात यह है कि जमानत उन्हें तभी मिलेगी जब जमानत के लिए कोई आवेदन दाखिल किया जाएगा। अभी उनकी ओर से कोई मांग इस तरह की नहीं की गई है। ईडी की ओर से अगर मांग नहीं की जाती है कि रिमांड पर भेजा जाए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट स्वतः ही उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी। अच्छा। और इसके अलावा और कोई चारा कोर्ट के पास तभी होगा जबकि जमानत के लिए आवेदन अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट के समक्ष किया जाएगा। अंतरिम जमानत की मांग पहले की जाएगी और उसके बाद ही रेगुलर बेल की मांग की जा सकती है। इस मामले में अभी तक कोई आवेदन नहीं दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा में ही कोर्ट अरविंद केजरीवाल को भेजेगी। अगर ईडी की ओर से रिमांड की मांग नहीं की, कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है। देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, हाँ, वही निर्णय लेंगे कि कब उनकी जमानत की मांग कोर्ट से की जाए। अभी चूंकि रिमांड लगातार जारी थी और ऐसी स्थिति में उन्हें ये नहीं लग रहा होगा कि अभी जमानत मिलने की उम्मीद है। अच्छा। यही वजह थी कि उनकी ओर से अंतरिम जमानत की मांग भी कोर्ट से नहीं की गई। ये संभावना बनती है कि आज अंतरिम जमानत की मांग केजरीवाल की ओर से की जाए और उसके बाद आज की तारीख में ना सही, फिर अगली तारीख पर राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या फिर नहीं दी जाए। हालांकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जमानत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। जी जी समीर, तो दोनों तरफ से अपना अपना पक्ष पिछली बार की सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट पे रखा भी गया था जितेंद्र, और कुल मिलाकर ईडी यहाँ पर सीधे तौर पर रिमांड की मांग पिछली बार कर रही थी, ज्यादा रिमांड की मांग की गई थी, हालांकि उन्हें सिर्फ चार दिन के लिए भेजा गया ईडी की रिमांड में। अब इस बार आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? कुल मिलाकर मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल की। जितेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, पिछली बार हमने सुना था कोर्ट में किस तरीके से पक्ष अरविंद केजरीवाल ने खुद रखा था, ये कहते हुए कि उन्हें गिरफ्तारी से कोई दिक्कत नहीं है, ईडी जितने दिन चाहे रिमांड में रख ले, लेकिन यहाँ पर सिर्फ घोटाला हो रहा है। इस बार अरविंद केजरीवाल का, उनके वकीलों का क्या पक्ष रहने वाला है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार कोर्ट के समक्ष साफ तौर पर बोला था कि उन्हें जांच से अब कोई डर नहीं है, यानी कि वो जांच में पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाया कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ये पूरी जो गिरफ्तारी है, ये जो पूरा मामला है, वो दरअसल राजनीति से प्रेरित है। तकरीबन 20 से 25 मिनट की दलील खुद अरविंद केजरीवाल ने कावेरी बवेजा की कोर्ट में अपने पक्ष में रखी थी, उसके बावजूद उन्हें चार दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था। आज भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज भी अपना पक्ष जो है वो खुद ही अपना बचाव पक्ष अदालत के सामने रखे। और जो ईडी है, ईडी का साफ तौर पर कह रहे कि आज वो कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, क्योंकि जो पिछले 10 दिन की अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई, उस पूछताछ में कोई भी खास क्लू या फिर कोई भी खास सबूत या सुराग अब तक पूछताछ से ईडी के हाथ नहीं लगा। और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए गाड़ियां इस वक्त निकलनी शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को अब से कुछ देर बाद यहाँ तिहाड़ जेल, माफ कीजिएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा पेशी के लिए। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर से गाड़ियां निकलनी शुरू हो चुकी है। 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को कावेरी बवेजा की कोर्ट में राउज एवेन्यू में पेश किया जाना है। और ये देखिए
अब सबसे पहले दिल्ली पुलिस की गाड़ी है और ठीक उसके पीछे अरविंद केजरीवाल, जो इनोवा आप देख रहे हैं उस इनोवा गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को अब यहां से ले जाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल, ये देखिए अरविंद केजरीवाल इसी गाड़ी के अंदर बीच में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा चुका है ईडी के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए। और अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर ईडी की कोशिश होगी कि आज अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, क्योंकि जो पिछले 10 दिन से क्वेश्चनिंग की गई अरविंद केजरीवाल से, उसमें कोई खास सबूत अब तक या फिर कहें कोई खास सुराग अब तक जांच एजेंसी के हाथ नहीं लगे हैं। तमाम जो सबूत, जो साक्ष्य अब तक इकट्ठा किए गए जांच एजेंसी के द्वारा, जो मनी ट्रेल थी उससे अरविंद केजरीवाल का कन्फ्रंट कराया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई भी स्पष्ट जवाब उसके बारे में अब तक जांच एजेंसी को नहीं दिया है, जिसके बारे में जांच एजेंसी से खुले तौर पर कोर्ट में, अदालत में बताया भी था। तो आज देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल यानी कि सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आसार इस बात के ज्यादा जताए जा रहे हैं। ईडी सोर्सेस के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो भी यही है कि आज रिमांड नहीं मांगेगी ईडी अदालत में अरविंद केजरीवाल की, और ऐसे में न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी, जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जा सकता है।